आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल ने ट्वीट पर एक वीडियो जारी किया और लिखा, आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। राहुल के वीडियो में जिसमें असम के मारिया गांव के डिटेंशन सेंटर की कहानी बताई गई है, कहा गया है कि पीएम मोदी के दावे के खिलाफ यहां डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर का मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून बनाने के बाद उठा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश में डिटेंशन सेंटर बनवा रही है जहां उन लोगों को रखा जाएगा जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाया है, जो है वो पहले के बने हुए हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी एक्सीडेंटल नेता है, उन्हें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाया है। असम के जिस डिटेंशन सेंटर की बात कही जा रही है वो कांग्रेस के समय से बना हुआ है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में आज जो डिटेंशन सेंटर हैं वो कांग्रेस के बनवाए हुए हैं। राहुल गांधी इससे इनकार कर दें तो मैं अभी पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि कांग्रेस के समय से देश में 3 डिटेंशन सेंटर हैं जिसमें 362 लोगों को रखा गया था। यह राहुल गांधी का झूठ है और उन्हें झूठों का सरदार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में हिंसा घटनाएं हुई और सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देश की लीडरशिप को लेकर सेना प्रमुख विपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने सवाल उठाते हुए छात्र नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि यह लीडरशिप नहीं है। आर्मी चीफ के बयान को अब AIMIM लीडर असुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि नेता वो नहीं है जो लोगों को गलत दिशा में लीड करे। जैसा कि हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जैसे लीड कर रहे हैं वे सही नहीं है। शहरों और कस्बों में भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा है, यह लीडरशिप नहीं है। Battle in 1999 are well known to all of you. I don't want to keep repeating that. These are soldiers who have braved against all odds, displaying qualities of leadership. Was he an officer? Was he a JCO then? No, he was just a normal jawan. Yet he displayed qualities of leadership that every one of us would envy. Who would not like to be in his boots? But it's not an easy task. At the same time, such opportunities do not come by the way of everybody. All of us would like to get such opportunities, but do not get. But some of us who do get these opportunities stand out, like Subedar Major Yogendra Yadav. I salute such personalities. Ladies and gentlemen, leadership is all about leading. Therefore, what is so complex about leadership if it is all about leading? Because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd, you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. So leadership is through personal example.
एंड दैट इज व्हाट वी इन द आर्म फोर्सेस आर प्राउड ऑफ। इसके पूर्व सेना प्रमुख रावत ने सियाचिन में देश की रक्षा करने वाले जवानों को लेकर कहा कि जब हम दिल्ली में खुद को ठंड से बचा रहे थे उस वक्त मैं अपने सैनिकों के प्रति श्रद्धा से भर गया जो सियाचिन के साथ ही अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में -10 से -45 डिग्री के तापमान में चट्टानों की तरह सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तेलंगाना के आरएसएस कार्यकर्ताओं के 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविरम के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना वाले किसी भी धर्म और संस्कृति के लोग जो भारतीय संस्कृति और विरासत का सम्मान करते हैं हिंदू हैं और आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। उन्होंने कहा कि पूरा समाज हमारा है और संघ का उद्देश्य ऐसा ही एकजुट समाज बनाने का है। भागवत ने कहा कि संघ सभी को एक मानकर स्वीकार करता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है और उन्हें बेहतर से उच्च स्तर पर लेकर जाने का आकांक्षी है। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जब आरएसएस किसी को हिंदू कहता है तो इसका मतलब है उन लोगों से होता है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इसे प्यार करते हैं। वहीं भारत माँ के बेटे का मतलब है यहाँ रहने वाला हर शख्स हिंदू है, फिर इसका कोई धर्म भाषा और पूजा अर्चना से कोई संबंध नहीं है। भारत की यह नीति पूर्वक संस्कारों को अनुशासन को मानने वाली मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है ऐसा कोई भी हो किसी भी भाषा का बोलने वाला हो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं है। 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण गुरुवार को रहा। इस ग्रहण को देश के बड़े हिस्से में देखा गया। गुजरात, केरल, तमिलनाडु से सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें सामने आई। सूर्य ग्रहण गुरुवार सुबह 8:09 पे शुरू हुआ जो 10:59 पे समाप्त हो गया। सूर्य ग्रहण की वजह से छोड़ महाकाल मंदिर बाकी सभी मंदिरों के पट बंद रहे। लोग भी अपने अपने तरीके से सूर्य ग्रहण देखने के लिए घरों से बाहर रहे। इससे पहले बुधवार रात 8 बजे से सूतक लग गया था। देश भर के प्रमुख मंदिरों में शयन आरती भी रात 8 बजे के पहले ही कर ली गई थी। गुरुवार सुबह 2:40 के सूर्य ग्रहण के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण कर आरती की गई। दुबई से भी ग्रहण की शानदार तस्वीरें नजर आई। यहां पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आया। चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया और यहाँ रिंग फॉर फायर का नजारा देखने को मिला। देश भर में सूर्य ग्रहण देखने को लेकर लोग उत्साह में रहे। इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश की, हालांकि उन्हें इसे लेकर निराशा हाथ लगी। पीएम मोदी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, अन्य भारतीयों की तरह मैं भी सूर्य ग्रहण को लेकर उत्साहित था, लेकिन निराशाजनक तौर पर मैं बादलों की वजह से सूरज को नहीं देख सका। हालांकि मैंने कोझिकोड और अन्य जगहों की लाइव स्ट्रीम की मदद से सूर्य ग्रहण को देखा। विशेषज्ञों से चर्चा के दौरान इस विषय को लेकर मैंने अपना ज्ञान भी बढ़ाया। इधर अहमदाबाद में सूर्य अर्ध चंद्र की तरह नजर आया। यहां सुबह होने के बावजूद सड़कों पर अंधेरा रहा। अब अगला सूर्य ग्रहण 6 महीने बाद 21 जून 2020 को दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के बाद पुण्य स्नान के लिए नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सूतक खत्म होने के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण किया गया। आज हुए ग्रहण से ठीक एक दिन पहले पौष माह में मंगल वृश्चिक में प्रवेश किया है। यह स्थिति बड़े प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा कर रही है। इस ज्योतिषीय गणना के मुताबिक ग्रहण के 3 से 15 दिनों के भीतर भूकंप, सुनामी और अत्यधिक बर्फबारी हो सकती है।
होशंगाबाद में नर्मदा के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। होशंगाबाद के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान किया। सूर्य ग्रहण के साथ अमावस्या होने के कारण आज के दिन का महत्व बढ़ गया। वैसे तो श्रद्धालुओं की भीड़ होशंगाबाद के सभी घाटों पर रही, वहीं सेठानी घाट पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु देखने को मिले। इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। आज सूर्य ग्रहण है, जो हमें समय बताया गया है उसके 8 बजे से 11 बजे तक है, उसका इंतजार किया हम। 6 बजे से आ गए थे तो उसका इंतजार करने का, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान किया। स्नान के बाद हम लोग अपने ग्रह नक्षत्र ऐसा योग 1952 में आया था, जो 52 साल बाद बताया गया है। रीवा में जवा तहसील के पटेहरा के खरीदी केंद्र इटावा में 16 दिसंबर से धान खरीदी करने के लिए किसानों से कहा गया था, लेकिन आज तक खरीदी ना होने से किसान परेशान है। किसान अपने धान लेकर खरीदी केंद्र इटावा में पहुंचकर कड़ाके की ठंड में धान बेचने का इंतजार कर रहा है, लेकिन खरीदी प्रभारी का अता पता ही नहीं है और सक्षम अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि असमय बारिश से किसानों की धान भीगने से लाखों का नुकसान भी हो गया है और बची हुई धान भी नहीं खरीदी जा रही, जबकि आसपास के सभी खरीदी केंद्रों में खरीदी चालू है। खरीदी केंद्र के सभी जिम्मेदार एक दूसरे पर बात टाल रहे हैं। किराई खरीदी केंद्र में खरीदी न होने से नहर अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने तहसीलदार और थाने में ज्ञापन देकर कहा कि यदि दोनों केंद्रों में खरीदी नहीं हुई तो हम सभी किसान आमरण अनशन के साथ चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। 2 दिसंबर से खरीदी प्रारंभ के लिए शासन का आदेश था और हमने 12 तारीख और 16 तारीख 21 तारीख से माननीय एसडीएम साहब तहसीलदार से बात की, आपने आश्वासन दिया लेकिन खरीदी प्रारंभ नहीं हुई। हमने कल एक ज्ञापन दिया माननीय तहसीलदार साहब जवा को और इसके बाद हमने आज अनशन बैठ गए और याद खरीदी केंद्र ना प्रारंभ होता, यदि नहीं होती है तो हम कल चक्का जाम करेंगे। यदि आपके आश्वासन पर आज खरीदी प्रारंभ हो जाती है, कल सुबह से हो जाती है खरीदी, तो हम चक्का जाम नहीं करेंगे। किसानों की समस्या को लेकर हम इसलिए बैठे कि इतनी वर्षा हुई है कि पूरी धान जो बाहर थी पूरी भीग गई है और पुनः बादल घिरा हुआ, फिर वर्षा हो सकती है। किसानों की समस्या के लिए सामूहिक हम लोग अनशन बैठे थे जवा और चांदी के लिए कि समय बढ़ावा, और हमने ये भी मांग किया था माननीय तहसीलदार साहब से कि 21-22 दिन विलम्ब से खरीदी प्रारंभ हो रही है, इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। पिछले साल जो खरीदी हुई थी यहाँ 45-46 हज़ार क्विंटल, इस साल 60-70 हज़ार क्विंटल धान है इस इलाके में, इसलिए हम समय भी बढ़ाने के लिए हमने आपसे मांग किया था। जो भी यहाँ दोषी कर्मचारी हैं उनको हटाया जाए, ना कि तहसील ना हटाया जाए, हमारा केंद्र ना हटाया जाए, जो दोषी कर्मचारी उनको हटाया जाए। जावा तहसीलदार के निर्देश पर कुछ किसानों की धान तो खरीदी गई, पर अभी भी कई किसान धान खरीदी केंद्र में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी सुचारू ढंग से धान नहीं खरीदी जा रही है और जिम्मेदार अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चांदी की खरीदी केंद्र के संबंध में जो माननीय अध्यक्ष महोदय वगैरह सभी किसान लोग मेरे तहसील कार्यालय में जो मुझे ज्ञापन दिया था, मैंने तत्काल उस ज्ञापन को माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ भिजवाया। रात को उनसे फ़ोन से बात की तो उन्होंने कहा है कि आज 25 तारीख को छुट्टी होने के कारण खरीदी हो पाएगी, अगले दिन 26 तारीख से हर हालत में खरीदी होगी। और मैं स्पॉट पर आया हूँ, मैंने सब किसान लोगों को बताया कि 26 तारीख खरीदी होगी, यदि खरीदी नहीं होती है तो जो लोग पुनः चक्का जाम करने की स्थिति में है, इसलिए मैंने कंट्रोलर को भी फ़ोन किया रीवा, तो कंट्रोलर साहब ने बताया है कि 26 तारीख से खरीदी होगी। इसके संबंध में उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा है, कर्मचारी एंट्री कर रहे हैं, टोकन दे रहे हैं उनको, कल से खरीदी हर हालत में होगी। ग्वालियर की छतरी सब्जी मंडी के आड़तिया के गोदाम से 12 बोरी प्याज चोरी हो गया। प्याज चोरी का पता अगले दिन सुबह लगा, जिसके बाद मंडी में हंगामा हुआ। प्याज चोरी की सूचना मिलते ही जनकगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन के बाद चोरी का मामला दर्ज कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, मगर प्याज बरामद नहीं हुआ। मामला ग्वालियर के छतरी स्थित सब्जी मंडी में अफजल की फड़का है। प्याज के भाव आसमान को छू रहे हैं। मुनाफे के लिए अफजल ने अपने गोदाम में काफी मात्रा में प्याज जमा कर रखा है। चोरों की नजर अफजल के गोदाम पर पड़ी और शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोरों ने उनके गोदाम पर धावा बोल दिया। रात के अंधेरे में दाखिल हुए चोरों के गिरोह ने गोदाम में रखे 12 बोरे प्याज पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 60,000 से अधिक की बताई जा रही है। अगले दिन व्यापारी जब अपने गोदाम पर पहुंचा तो उसे प्याज चोरी का पता चला। दो बार प्याज महंगी होने के कारण दो बार दुकान पर चोरी हो चुकी है। 10 तारीख को हुई थी,
एक 11 तारीख को इतनी रात में सुबह जब आए तो ताले टूटे मिले और प्याज लहसुन चोरी हो चुका है। हालांकि चोर पकड़े गए हैं पर माल कुछ बरामद नहीं हुआ उनसे। फर्स्ट टाइम जब चोरी हुई थी 12 कट्टे प्याज और 2.5 कट्टा लहसुन चोरी हुआ, और दूसरी बार जब चोरी हुई तो 3 कट्टे प्याज और 1 कट्टा लहसुन चोरी हुआ। लगभग मान लो 70 से 80 हज़ार रुपये कम से कम कीमत होना चाहिए। प्याज चोरी की सूचना मिलते ही जनकगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और प्याज चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चोरों के पास से चोरी हुई प्याज बरामद नहीं हो सकी। जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले बिक्की खान के द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि उनके यहाँ से छतरी सब्जी मंडी पर से 12 कट्टे उनके प्याज के और 1.5 कट्टा उनका लहसुन का चोरी हो गया है, जिस पर से उनका थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और बाद विवेचना उपरांत 2 चोर आपके जीतू गमरा निवासी पेट्रोल पंप नेहरू पेट्रोल पंप और दूसरा अजीत उर्फ अजय निवासी पाटनकर बाजार, इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने माल तो इन्होंने बेच दिया था, चलते हुए रायगीरों को इन्होंने जो भी प्याज था लहसुन था वो इन्होंने बेच दिया था। 12 कट्टे प्याज के थे और 1.5 कट्टा उनका लहसुन का था, कीमत करीबन 60,000 रुपए थी। छतरपुर के बिजावर में जुआ खेल रहे युवकों ने पुलिस से बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर सड़कों पर हुड़दंग किया। राजा तालाब के घाट पर कुछ युवक जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी आती देख पुलिस की पकड़ से बचने के लिए जुआरी भागने लगे। इतने में पुलिस से बचने के लिए 2 जुआरियों ने तालाब में छलांग लगा दी, जिसमें से एक युवक को तालाब में तैरकर दूसरी ओर निकल गया, जबकि शाकिल तालाब में डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला। शाकिल के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और चक्का जाम कर दिया। एसडीओपी के जांच के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम समाप्त किया। मकान मिली खेल रहे थे हम लोग, ने ऐसी दुकान लगा दी तो पुलिस ने भर रहा है, पुलिस के कारण वो तालाब में जरा बोलता रहा हमें बचाओ बचाओ, पर किसी पुलिस वाले ने कोई मदद नहीं की उस लड़के को बचाया। यदि जब वो डूब गया, जब ने ऐसी खबर पहुंचा गई एक लड़का साजन नाम का तालाब में डूब गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो पुलिस दूर खड़ी थी और यहाँ जो मज रहा हमारे नाती था रब्बो का लड़का सलमान का भाई है, इनके माँ बाप पिताजी गुजर चुके हैं। आज अटल जी का जन्मदिन था, मंदिर पर पूजा पाठ था तो गश्ती के लिए वहाँ गए थे। उधर से लौट रहे थे, बस स्टैंड से होते हुए राजा तालाब की तरफ से जा रहे थे। वो 4-5 लड़के तालाब के किनारे सीढ़ियों पे बैठे थे, शायद पत्ती वत्ते खेल रहे थे। जैसे इन्होंने गाड़ी रोकी तो वो लड़के 3 लड़के पानी में कूद गए और 2 जने खड़े रहे, तो 2 तो तैर के निकल गए, एक लड़का पानी में डूब के ख़त्म हो गया। तो तत्काल वहाँ पर मौके पे थी पुलिस, वहाँ पर कुछ लोग तैराक भी थे, उनको उसको बचाने के लिए भेजा भी था, लेकिन तब तक वो नीचे डूब चुका था। बहुत देर बाद फिर कांटा डाल करके उसके शव को निकाला है, निकालने के बाद में वैधानिक मौके पर कार्रवाई करके उसको ट्रेन के लिए भेज दिया। सिंगरौली में मोरवा थाना क्षेत्र के चकरिया निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाइयों में एक का नाम सुभाष साकेत है, जबकि दूसरा नाबालिग है। नाबालिग लड़की मोरवा में मजदूरी करती थी। जब वह मजदूरी करके अकेले लौट रही थी तो दोनों आरोपियों ने बलपूर्वक उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने जब अपने परिजनों को यह घटना बताई तो परिजनों ने थाने में सूचना दी। इस मामले में आरोपियों ने पीड़िता के परिजनों को भी धमकी दी। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक को सारी घटना बताई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के ऊपर पास्को एक्ट सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और योजना बनाकर ट्रेन से भागने की फिराक में दोनों बैठे आरोपियों को शुक्ला मोड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये मामला गैंगरेप का हुआ था, इसमें 2 आरोपी थे और एक महिला के साथ उन्होंने बलात्कार की घटना को कारित किया था। अभी हाल की ही बात है, इसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले तो FIR दर्ज किया गया। महिला को जो मेडिकल असिस्टेंस वगैरह दिलवाना था वो हमने दिलवाया है, काउंसलिंग वगैरह भी करवाई है। अभी हमने इसमें दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो फर्दर कार्रवाई है वो चल रही है। होशंगाबाद में एक अनियंत्रित डंपर बिजली की डीपी से टकराते हुए STR ऑफिस की बाउंड्री वॉल में घुस गया। बिजली की डीपी चालू होने के चलते यहां बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा चक्कर रोड स्थित
कालिका नगर में हुआ। घटना के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिवनी जिले का थाना आधे गांव रिश्वतखोरी के लिए मशहूर हो रहा है। दरअसल आधे गांव में मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे मड़ी गांव के निवासी दीपक सोनी ने थाने में पदस्थ ASI राजेश दुबे पर डरा धमकाकर हजारों रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है, जिसमें आधे गांव पुलिस की ईमानदारी पर सवाल या निशान लगा है। शिकायतकर्ता दीपक सोनी ने बताया है कि ASI राजेश दुबे द्वारा 2 महीने से उन्हें परेशान किया जा रहा है। लगातार बार बार मकान बनाने की सामग्री देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सामग्री न देने पर उनको झूठे मामलों में बंद करने की धमकी दी जा रही है, लूट खसोट की जा रही है। ASI खुद धमकाते हैं और अपने दलालों द्वारा भी धमकवाते हैं। कुछ दिन पहले रेत की मांग की गई, नहीं देने पर उनसे 7,000 रुपए मांगे गए और फिर गिट्टी की मांग की गई, नहीं देने पर आवेदक से ट्रैक्टर में डालने वाले डीजल को उठाकर ले गए और दलालों ने केस ना बनाने की बात कहकर उनसे फिर 7,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद फिर बार बार रिट्टी और रेत की मांग की जाने लगी। ASI दुबे ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए आवेदक को उठाकर अपने साथ ले गए, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी, जेल में डालने की धमकी दी। मुझे आदेगांव थाना से ASI राजेश दुबे जी द्वारा 2 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने मुझसे रेत मांगी तो रेत मैं नहीं दे पाया, इन्होंने मुझे रेत के 7,000 रुपए मुझसे ले लिए गए। दोबारा मैं इन लोगों ने मुझसे फिर गिट्टी के लिए मांग की, मैंने नहीं दिया तो मेरा डीजल मेरे घर से उठा के 2 किलोमीटर दूर नाले में ला के दलालों द्वारा फिर से 7,000 रुपए लिए गए और मुझे वहीं छोड़ दिया गया। उसके ठीक एक हफ्ते बाद इन लोगों ने प्रक्रिया इनकी लगातार चालू रही, ठीक एक हफ्ते बाद इन लोगों ने मुझसे सीमेंट गिट्टी रेत की मांग की। नरसिंहपुर में ASI राजेश दुबे जी का मकान तैयार हो रहा है तो उन्होंने गिट्टी रेत सीमेंट की मांग की, मैंने इनकार कर दिया तो मुझे फिर से वो उठा के ले गया, मारा गया, थप्पड़ मारे गए और ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर में साइन करवा के और मुझको धमकी दी गई कि जेल में डालूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, ट्रैक्टर भी तू भी, तेरी 30 तारीख को शादी, तेरी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा धमकी देकर मुझसे ज़बरदस्ती कामता पटेल और राजेश दुबे जी द्वारा मुझसे 22,000 नकदी प्राप्त किए गए। ठीक उसके एक हफ्ते बाद PWD खगड़िया वाली रोड में जो 4 पुलियाँ डली हैं, दुबे जी और कामता पटेल मेरे पास आए और PW रोड की 4 पुलियाँ जो बाहर निकली पड़ी हैं उनको नरसिंहपुर घर पहुँचाने के लिए मुझसे बोला गया। आवेदक की शादी 30 जनवरी को होनी है। बदनामी के डर से आवेदक ने दलाल को और ASI को 22,000 रुपए दे दिए हैं, लेकिन ASI दुबे फिर भी नहीं माने और ट्रैक्टर से कुछ सामान नरसिंहपुर पहुंचाने की बात कही। जब आवेदक ने मना कर दिया तो आवेदक के घर पहुंचकर उसकी गैर मौजूदगी में एक नाबालिग लड़के को ट्रैक्टर में बैठाकर एक वीडियो बनवाया और वीडियो में कहलवाया कि मैं नाबालिग हूं और दीपक सोनी के 2 महीने से ट्रैक्टर चला रहा हूं। इस वीडियो के आधार पर आवेदक को ASI और दलाल कामता पटेल ब्लैकमेल कर जेल में डालने की धमकी देने लगे और कहने लगे अब तो सामान भी पहुंचाएगा और 10,000 रुपए भी देगा, जिसके बाद व्हाट्सएप पर दलाल कामता पटेल से बात हुई और ये रकम 7,000 पर आकर समेट गई। यादव हूँ मड़ी से, ASI यादगांव थाना से राजेश दुबे, मुझे बुलाया, मैं रोड पर खेल रहा था, मुझे बुलाया दीपक सोनी के ट्रैक्टर के पास कि तू ट्रैक्टर में बैठ, मैं नया नए बालिक हूँ, 2 महीने से चला रहा हूँ ट्रैक्टर, ये बोल ऐसा कि बोला उसने, 2 थप्पड़ मारा मुझे। इस पूरे मामले पर ASI राजेश दुबे से जब बात हुई तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए इनकार कर दिया और कहा कि दीपक सोनी पर थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं और उसने जो भी आरोप लगाए हैं वे मनगढ़ंत हैं। दीपक सोनी का जो है थाना आधेगांव में एक आपराधिक रिकॉर्ड है और उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत हैं और दीपक सोनी के द्वारा एक नाबालिग बच्चे का स्वयं वीडियो बना के उस पर दबाव डलवा के जो दुष्प्रचार किया गया है वो उस संबंध में उस नाबालिग बच्चे के माँ पिता ने थाने में शिकायत की है और मेरी शिकायत पर भी श्रीमान वरिष्ठ अधिकारीगणों के द्वारा जांच की जा रही है और पुलिस बल पे दबाव बनाने के लिए इस टाइप के अनर्गल दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग में भी ये रहता है कि मानसिक रूप से हमेशा हम लोग मजबूत रहते हैं और सदैव निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध करने में हम लोग सक्षम हैं।
जवा परियोजना अंतर्गत डभौरा रेस्ट हाउस में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत स्कूल छोड़ चुकी 11 साल से 14 साल तक की किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। बालिकाओं के जीवन में कौशल शिक्षा, जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाने सहित अनेक बिंदुओं पर संवाद करते हुए परियोजना अधिकारी मालती पांडे ने महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा, बैंकिंग व्यवस्था, भारतीय रेल पोस्ट ऑफिस सहित अनेक विषयों पर विस्तार से जानकारी साझा करते हुए प्रशिक्षित किया। साथ ही सभी किशोरी बालिकाओं को सभी शासकीय ऑफिसों में ले जाकर कर्मचारियों से सीधा संवाद करवाया। हॉस्पिटल के बारे में, जैसे बीमार होती हैं उनको बाहर रोगी चिकित्सक और क्या क्या बीमारी होती है, उनमें क्या क्या फार्म भरे जाते हैं और किस डॉक्टर से कैसे बात करनी होती है, इस तरह के उनको हमने हॉस्पिटल भी ले जाते की जानकारी दिलवाई। फिर पोस्ट ऑफिस गए, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या योजना है, जो भी उन्होंने बचत खाता है, डिपॉजिट है, फिक्स है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। महिला बाल विकास परियोजना जवा की प्रवेक्षक ने महिला सुरक्षा, महिला समस्याओं का समाधान जैसे घरेलू हिंसा, भेदभाव, विधवा, तलाकशुदा, पुनर्विवाह आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पास्को एक्ट, जेंडर संवेदीकरण, यौन अपराध, हिंसा से निपटने के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अलावा पोषण, शिक्षा, शोषण व स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता सहित महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर रेवांचल जभोरा सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिका, किशोरी बालिकाओं के साथ ही दलित आदिवासी सेवा संस्थान समिति के सदस्य, आदिवासी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस स्टेशन में घूमा और हॉस्पिटल में गए, रेलवे स्टेशन पे गए और हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी मिली। बैंक में भी गए, बैंक में मतलब खातों के बारे में बताया गया कि चालू खाता, बैंक खाता, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया गया। और रेलवे स्टेशन में गए तो मतलब कि कैसे टिकट मतलब रिजर्वेशन कैसे होता है, जानकारी लेने के लिए, जैसे कि लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या कुछ भी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आकर मतलब कि बता देना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने यही सब जाना कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या खाना चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर से और पुलिस में। पचमढ़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पचमढ़ी महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में सैलानियों के लिए नए साल के जश्न को खूबसूरत बनाने और पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी उत्सव का शुभारंभ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया। होशंगाबाद पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित पचमढ़ी महोत्सव 25 से 30 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में सूफी गायन, कवि सम्मेलन, गजल, लोक नृत्य एवं पुरस्कार के साथ साथ कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा एडवेंचर गेम्स भी होंगे। मंत्री पीसी शर्मा ने पचमढ़ी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि पचमढ़ी उत्सव प्रदेश का लोकप्रिय महोत्सव है, इसीलिए अगले वर्ष से पचमढ़ी उत्सव संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। अचानक उनके बहुत से एंगेजमेंट आ गए इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ आज मांग की गई है संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग इसको करे। कमलेश्वर जी और हम कह के जा रहे हैं कि अगली बार ये संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग ही करेगा और मुख्यमंत्री जी को भी लेकर आएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से पूरे पचमढ़ी उत्सव के लिए बधाई, यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के हमारे सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पचमढ़ी उत्सव को संस्कृति कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि उत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ रोजगार का सृजन होगा, वहीं हमारी धरोहर संस्कृति, लोक शैली का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। जिस तरह आप यहां पे उत्साह देखने को मिला पचमढ़ी महोत्सव में शामिल होकर, ये उत्सव दिन प्रतिदिन और बढ़िया बने, उसके लिए हमारी सरकार और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और जो विसंगतियाँ, जो कमी है उसको भी ठीक करेंगे और ये उत्सव खुशहाली का बने, ये उत्सव यहाँ के लिए रोजगार का अवसर पैदा करे, इस तरह की भावना के साथ हम लोग। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज।